संतुष्ट तो थोड़े बहुत तुम्हें कराया जाता है कि तुम मर ना जाओ, भग ना जाओ, इसलिए थोड़े बहुत लॉलीपॉप से काम करा, मर ना जाओ और मर ना जाओ। अगर तुम्हें सीधे ही अटैक करवा दिया तो तुम, हमने कुछ लोगों ने देखा वो गेट के भीतर कभी आएंगे ही नहीं। तो शुरू शुरू में हमने प्रयोग कराए, आधी रात भाग गए, आधी रात नाम नहीं लिया हमारा, ऐसे भागे कि आदमी मर डाला। तो खतरनाक आदमी, सही प्रयोग होते हैं तो ये लालीपॉप वाला खेल चलता रहता है, सही होते हैं तो हम देखते रहते हैं, कभी कभी किसी को देते हैं सही तरकीब, अब बिल्कुल ये भग नहीं सकता, फिर तरकीब बताते हैं, अब ये तरकीब, अब ये मंत्र जपो, इससे तुम पागल हो गए, तुम संसार के किसी काम के ना बचो तो परमात्मा मिलेगा तुम्हें, कहां तक बिगाड़ना है तुम्हें, कहां तक तुम संसार के किसी काम के ना रहो। लेकिन हम देख लेते हैं कि किसको बिगाड़ना है, जिसकी क्षमता होती है हम उसी को बिगाड़ते हैं, अभी जिसकी क्षमता नहीं है उसे कहते संसार को कैसे जीना है, ऐसे जियो ये करो वो करो, तब थकाने का आयोजन करो। फिर 100 में से एक आध आदमी को हम देख लेते हैं कि ये आदमी ठीक मिल गया, तो हम तुम 100 का एक आदमी के लिए उपयोग करते हैं वातावरण बनाने, तुम लोग वातावरण बनाते हो उस एक के लिए, ऐसा खेलो फिर तुम्हारा नंबर भी आएगा, तुम जब उस अवस्था में आओगे तो दूसरे वातावरण बनाएंगे, ऐसे ही चलता है ये खेल। ऐसे पहले तो देखो किसी बागड़ का काम करना पड़ेगा आपको पहले दूसरे पौधे को, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि ध्यान में आपको जो भी घटे जिसको ज्यादा जरूरत हो उसकी तरफ फेंक देना, तुमसे ज्यादा जरूरत होगी शायद किसी को, तो ध्यान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर करुणा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि जिसको ज्यादा जरूरत है ध्यान की वो किनारे पे है, अगर तुम्हारा सहयोग मिल जाए धक्का लग जाए तो शायद वो, तो पहले बागड़ का काम करो, बागड़ का मतलब समझते हो, पेड़ को जानवरों से बचाना, प्रोटेक्शन करना, वो घेरा बनाते हैं ना अपन बागड़, पहले तो वो बनना पड़ता है शुरुआत में, और धीरे धीरे करते करते तुम केंद्र की तरफ जाओगे, तो अपनी ऊर्जा को अभी दूसरों के लिए इतने प्रेम से भरो कि वो दूसरों के काम आ जाए, तो तुम्हारे ध्यान में बहुत धार आ जाएगी। देखो जी स्वार्थ से नहीं चलेगा काम, कि जैसे ध्यान में थोड़ा बहुत मजा आया तो ये लगा कि अब तो अपना काम हो गया, कोई बोले ही नहीं हमसे, वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। ध्यान में अगर मजा आया है तो आप किसी न किसी को शेयर ही कर दो सूक्ष्म रूप से, तो तुम्हारा झरना और खुलेगा। ये तो कुएं के पानी जैसा मामला है, जो कुआ में पानी दिख रहा है उसे जितना उलीचोगे उतना पानी के सोर्स बढ़ जाएंगे तुम्हारे, कंजूसी काम नहीं करेगी, ना तो संसार में कंजूसी काम की है ना अभी, तो बिल्कुल शेर दिली तो चाहिए यार, शेर दिली के बगैर काम नहीं होता। तो अब हमारा, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको ज़्यादा नहीं भटकाना चाहते, अब हम विदा लेते हैं आप लोगों से, और धन्यवाद देते हैं आप सबके लिए कि जब भी योग संयोग होते हैं आप लोग इकट्ठे हो जाते हो तो किसी के लिए बागड़ का काम तो करते हो, ऐसे करके खुशी मनाना, ऐसे मत समझना कि आप बहरंग जा रहे हो, जैसे देखो अभी बच्चों ने गीत गाया, ये अब ये गीत गा रहे हैं कौन के चित्त में है, कहाँ ऊर्जा क्या कर बैठेगी, ये तो माहौल काम करता है, इनने गीत गाया और काम पता नहीं किसके आ गए हो गए, पता नहीं किसके काम आ जाती है चीज़। तुम जब सब ध्यान करते हो तो एक ऐसा आदमी होता है उसमें, उस आदमी का काम आ जाती है, तुम ये मत समझना, परिणाम और मत देखना, तुम नहीं देख सकते, हम देखते हैं परिणाम, नहीं हम जो सवाल लगाएंगे हमें दिखाई देता है कि तुम सबसे मिला के कहाँ क्या हो रहा है, तो तुम्हारी सबकी ऊर्जा एक जगह बहुत काम में आ रही है, तो ऐसा मान के जाना कि यहाँ अछूता नहीं हो रहा कुछ, तुमसे जो भी हुआ होगा
वो किसी श्रेष्ठ काम में लग गया, तुम्हारा धन बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट में गया, एक ऐसी जगह लगा जिसका तुम्हें पता नहीं है। देखो तुम्हें पता हो जाए तो अहंकार पकड़ेगा। बस इतना है कि तुम इतना मान कर जाना गेट के भीतर के, व्यर्थ नहीं गया तुम्हारा यहाँ। अब तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ, कितने बेरंग रहना, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। धर्म के एक कदम के भी परिणाम होते, संसार के 100 कदम के परिणाम नहीं होते। धर्म में जो आदमी एक कदम भी चलता है तो पीछे नहीं लौटता, उसका पुण्य में जुड़ता है। जब कोई आदमी अपनी अवस्था में पहुंचता है तो वो देखता है कि अगर किसी के नाम की एक अगरबत्ती भी तुमने कभी जीवन में लगाई होगी वो भी जुड़ जाती है। ये बूंद बूंद जुड़ कर होता है खेल, ऐसा नहीं, बहुत बूंद बूंद जुड़ती है और जन्मों के संस्कार इकट्ठे होते हैं बूंद बूंद करके। जब जाके आपके अंदर उस तरह की अग्नि पैदा होती है तो तुम कुछ तो जोड़ के जा रहे हो, तुम्हें पता हो कि ना हो, यहाँ कुछ जुड़ता जरूर है, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन चूंकि अब कितनी बड़ी खाई है किसकी, उसको वो पता नहीं लगता है। लेकिन व्यर्थ कुछ नहीं जाता धर्म में। धर्म में हमेशा एक कदम भी अगर तुम चले हो तो संसार के तो 1000 कदम से अच्छा है वो। तो धर्म कभी छोड़ना मत, जहाँ भी रहो जिनके साथ भी रहो, लेकिन धर्म को पकड़ कर रखना, यात्रा परमात्मा की बना कर रखना। क्योंकि जीवन बिना परमात्मा की यात्रा के धन्यता से नहीं भरता। धन्यता जीवन में ना आए तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ।